गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, मतलब जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन, सब चीज में दिखाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है 1962 to 2024 तक। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, लेकिन अगर आप उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पे बातें। तो लेट्स प्ले। ओ डॉक्टर, ओके, अच्छा जीडीपी इंडिया की है, अच्छा 40 बिलियन और उसके 3 बिलियन पर कैपिटा इंडिया का उस वक्त हाई था ना। इंशाल्लाह की पॉपुलेशन कितनी स्पीड से इंडिया की बढ़ रही है यार। ग्रोथ रेट, ओ इंडिया का तो माइनस में चला गया। अच्छा हाँ, वॉर चल रही थी। उस टाइम पे वॉर और बहुत ही ज्यादा थी। जितनी तेज जीडीपी नहीं बढ़ी उतनी तेज तो पॉपुलेशन बढ़ गई। हाँ, अब ग्रोथ रेट मतलब आधा ज्यादा है, कोई रुक नहीं रहा है टाइम पे। इंडोनेशिया का पर कैपिटा बहुत स्पीड से बढ़ा है अब, हालांकि इंडिया का भी बढ़ रहा है, फिर कम हुआ। ग्रोथ रेट रुक नहीं पा रही ना इंडोनेशिया के, देखो यार 8% बैठ गया था वो। आज जीडीपी इंडिया के फास्ट बढ़ने लगे। इंडोनेशिया की गिरने लगी जीडीपी। इंडिया के तकरीबन 300 बिलियन डॉलर हो गए थे उस वक्त, 1991 में तो क्राइसिस आ गया था यहाँ पे। बहुत ही स्पीड से गिरे। के बाद से ग्रोथ रेट अच्छी रही है। देखते हैं 2004 आ गया। आप देखो अब रुक गए, अब 7-8 ऐसे ही चलेगी ग्रोथ रेट इंडिया के। 7-8% पहुंच गया भाई, 1 trillion के ऊपर निकल गए जीडीपी। पर कैपिटा तो इंडोनेशिया का बहुत ही हाई हो गया। अब फिर पर कैपिटा बढ़ने लगा धीरे धीरे, लेकिन अब डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। आप जाके 2018 में 1 trillion dollar की इकोनॉमी हो पाई है इंडोनेशिया की, इंडिया की तब 3 trillion हो गई। इसमें तो भाई 8% पे ग्रो कर रहा है। तो ओके, अभी 2 trillion उसके डॉलर की कमी नहीं हो पाई। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यार वीडियो बहुत ही कमाल की लगी, काफी कमाल की वीडियो थी। जो स्टार्टिंग में यार बड़े ज्यादा डिफरेंस था, हालांकि पर कैपिटा के मामले में तब इंडिया इंडोनेशिया से काफी ज्यादा आगे था, मतलब डबल का डिफरेंस था। लेकिन फिर पर कैपिटा तो पॉपुलेशन के ऊपर होता है, जैसे पॉपुलेशन वैसे पर कैपिटा। लेकिन बहुत ही कमाल का लगा कि इंडोनेशिया भी उस वक्त पे सही से ग्रो नहीं कर रहा था, जैसे मतलब 2000 के बाद से इंडोनेशिया बहुत स्पीड से ग्रो करने लगा था, और वैसे ही इंडिया ही, क्योंकि उस वक्त तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वॉर चल रही थी, तो ग्रो करने का सही मौका नहीं मिल पाया उस वक्त। मतलब 1991 में फिर क्राइसिस आ गया, तो फिर माइनस में चली गई थी जीडीपी। फिर उसके बाद से फिर मतलब चेंज हुआ था पूरा सिस्टम, उसके बाद से फिर इंडिया ग्रो करने लगा। अब तो 3 trillion के ऊपर चल रही है जीडीपी इंडिया की, और इंडोनेशिया की भी हालांकि तकरीबन 1.3 trillion के आसपास है। और फिर
अब तो इंडोनेशिया की भाई तकरीबन 2024 तक ही इंडोनेशिया की 1.6 ट्रिलियन हो पाएगी और इंडिया की तकरीबन 4.5 या 8 ट्रिलियन हो पाएगी। लेकिन हालांकि अब कोविड के ऐसे वो वेरिएंट आ रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतने हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ सही चलता रहा, क्योंकि इस वक्त इंडिया की ग्रोथ रेट तो बहुत ही कमाल की 8% पे ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त। बाकी तो यार ये वीडियो बहुत ही कमाल के लिए, हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम ये इंडोनेशिया और इंडिया के वो GDP पर कैपिटा ग्रोथ रेट था जिसका कंपेरिजन किया मैंने फर्स्ट टाइम। तो बाकी तो ये वीडियो बहुत ही कमाल के लिए, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।